तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबका तेजी के साथ और बेसब्री से। जिस तरह से मैंने एनडी और सीजीएस के एडमिट कार्ड के अनाउंसमेंट किया, तो आपका लगातार प्रश्न हर प्लेटफॉर्म पे था कि आपके सर इंडियन कोस्ट गार्ड का एडमिट कार्ड कब अनाउंस हो रहा है। मुझे लगता है कि आपके लिए बिल्कुल वो खुशखबरी आ चुकी है, इंडियन कोस्ट गार्ड का एडमिट कार्ड अनाउंस हो गया है। बड़ा प्रश्न था कि आखिर सर काफी समय बीतता जा रहा है, क्या एग्जाम मार्च में होगा वाकई में? तो डेट तो यार क्लियर हो गई कि 27 मार्च से लेकर 31 मार्च तक। पहले भी मैंने कहा था कि मार्च के आपके लास्ट वीक में जो है एग्जाम को शेड्यूल किया जाएगा, क्योंकि 27 मार्च से लेकर 31 मार्च तक का शेड्यूल अब आपके सामने है। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूँ कितनी खूबसूरत प्रक्रिया रही, आज 15 को ही ये जो है एडमिट कार्ड आपका अनाउंस हुआ। मुझे याद है कि 4/1 को जो है एप्लीकेशन आपका भरना शुरू हुआ था और 14/1 को, दैट मीन जैसे कि 14 दिन का टाइम मिलता भी है कि आपका एप्लीकेशन जो है फिल होना क्लोज हो गया। फिर उसके बाद फॉर्म भरने के बाद फिर अगला प्रश्न यही होता है कि सर आखिर हमारा एडमिट कार्ड कब जनरेट होगा और हमारे एग्जाम कब कंडक्ट होगा। बट मोटा मोटा तो आपको क्लियर ही था कि मार्च महीने में ही ये चीज़ें डन होनी है। तो मैं एक बार जल्द से यही कहना चाहूँगा कि बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, जाए तेजी के साथ अपना बच्चा एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। मैं कहना चाहता हूँ कि जब हम बात करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड का रिलीज्ड एग्जाम डेट एंड सिटी, अभी जो आपका एडमिट कार्ड पर देखने को मिलेगा वो डेट एंड सिटी आपको क्लियर होगी। एडमिट कार्ड फॉर द 2/2022 बैच ऑफ मैकेनिकल सेलर एंड सेलर डीबी, दोज कैंडिडेट आर एनरोल्ड विद द वैकेंसीज कैन डाउनलोड द एडमिट कार्ड। मतलब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं इस चीज़ का। जैसे कि आपको पता है कि कोस्ट गार्ड का एडमिट कार्ड एग्जाम से जो है 48 घंटे पहले जो है वो आपका आ जाता है। तो अभी बेसिक आपको अनाउंसमेंट मिल गई है कि आपको एग्जाम सिटी और आपको लोकेशन सब कुछ क्लियर हो चुका है। तो अब मैं कहना चाहता हूँ सिटी और डेट क्लियर हो गई है, अब बस आपको जो है सेंटर अपना समझना होगा। तो 48 घंटे पहले आप अपना एडमिट कार्ड, और ये कोई घबराने की बात नहीं क्योंकि आप उस शहर में तो पहुंच ही जाएंगे, फिर आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे और उसके बाद जाकर के तेजी के साथ अपने सेंटर पर अपने एग्जाम में अपीयर होंगे। बिल्कुल, जब इंडियन कोस्ट गार्ड के एग्जाम शेड्यूल की हम बात करते हैं तो दो सेक्शन बटे हुए हैं, जहां सेक्शन 1 है और सेक्शन 2 है। मेजरली कैंडिडेट्स इन्हीं के लिए हैं क्योंकि आपको पता है सेक्शन 1 डीबी के लिए है, बट जीडी की जब हम बात करते हैं तो सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 दोनों है। सेक्शन 1 में बात कर लें तो बिल्कुल 60 क्वेश्चन, बड़ा ही एग्जैक्ट टारगेट आपके सामने होता है। अर्थमेटिक, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके और जो है आपके साइंस का एक बढ़िया समागम देखने को मिलता है। ऑब्वियसली बेटर स्कोर रखना यार किसी भी कीमत पे, कोशिश करिए कि इसमें 50 से अबव ही आपका स्कोर आए। और जब सेक्शन 2 की बात करते हैं जिसको आप जीडी के लिए कंसीडर करेंगे, स्पेशली मैथ एंड फिजिक्स की हम बात करेंगे, बिल्कुल 50 क्वेश्चन होंगे, 30 मिनट्स का टाइम होगा और वहाँ भी आपको स्कोर सेक्शन 2 में भी कम से कम 30 मार्क्स से अबव रखना है। क्योंकि ओवरऑल स्कोर अगर ये 80 और 80 के अबव जा रहा है सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 मिला करके, तो आप अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित कर ले जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब यही कि टोटल मार्क्स अगर हम काउंट करें स्पेशली जीडी के लिए, तो हम 60 इधर से जोड़ते हैं, 50 उधर जोड़ते हैं, 110 मार्क्स आपके हो जाते हैं। अगर इसका मोटा मोटा आंकड़ा हम निकालें तो आपको 75% से ज्यादा स्कोर लाना होगा अगर वाकई में अपनी श्योर शॉट सफलता को सुनिश्चित करना चाहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यही होगा, जो हमारे बच्चे यांत्रिक वाले हैं तो बिल्कुल आपका सेक्शन 1 तो कॉमन है, पर उसके साथ सेक्शन 3, 4, 5 आपका स्वयं का होगा। आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांचेस से हैं तो उन ब्रांचेस का स्पेसिफिक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, उनका आपको जवाब देना है और उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। पर मुख्यतः डीबी वाले बच्चे सेक्शन 1 देंगे, जीडी वाले बच्चे सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 देंगे। और वहीं जब हम टेक्निकल ब्रांच की बात कर लें जो है यांत्रिकी की, तो उसमें आपका सेक्शन 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, बट सेक्शन 1 सबके लिए मैंडेटरी होगा बच्चा। अब आती है प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की बात। तो सबसे पहली बात मैं कह देना चाहता हूँ, देश के जितने भी एस्पिरेंट हैं, मेजर कल्सी क्लासेस द ओनली ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया हु क्रिएट स्पेशल बुक्स फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड। और सेक्शन 1 की भी और सेक्शन 2 की दोनों की बेहतरीन बुक्स आपको हमारे यहाँ से अवेलेबल हो जाएंगी, जो कि बहुत ही रीजनेबल चार्जेस में है। एमकेसी पब्लिकेशन www.majorkalsiclasses.com पे जाएंगे, पब्लिकेशन पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आप विजिट करके अपनी इन बुक्स को ऑर्डर कर सकते हैं। इनके क्वेश्चंस कलेक्शन बेहतरीन है जो आपको मदद करेंगे। OTS भी आपके लिए सपोर्टिव है हमारा, जिससे आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपको पता है कि हमने लगातार ऑल इंडिया मॉक टेस्ट कराया, फ्री मॉक टेस्ट कराया, उन एग्जाम्स में बच्चों का एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और ऑब्वियसली हमारी आगे भी कोशिश होगी कि एक आध मॉक टेस्ट आपका रियल वर्जन में आपके एग्जाम से पहले फिर से हम आपका कंडक्ट करें और आपको उसको फेस करने का मौका दें। अब सब कुछ डिपेंड करता है किस तरह से शेड्यूल बनता है। और साथ ही साथ कह देना चाहता हूँ, मेजर कल्सी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे ढेर सारे मॉडल पेपर हमने बना रखे हैं सेक्शन 1 के भी और सेक्शन 2 के भी। तो प्लीज इंडियन कोस्ट गार्ड की प्लेलिस्ट पे जाइए और जितना ज्यादा से ज्यादा हमने क्वेश्चन कलेक्शन उधर रखे हैं उन सारे क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करिए, उनको नोट डाउन करिए, क्योंकि वो आपके लिए पैनासिया है, बिल्कुल रामबाण है, जो आपको मदद करेंगे आपके एग्जाम में आपके परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए। बच्चा मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी तक जो भी आपने तैयारी की है वो बेहतर है, खुद को पॉजिटिव रखिए, मोटिवेटेड रखिए। आप वहां जाके स्टेज 1 में कमाल तो करेंगे ही करेंगे, स्टेज 2 में भी कमाल करेंगे, स्टेज 3 में भी कमाल करेंगे, हर स्टेज में आप कमाल करेंगे और आपके अंदर पोटेंशियल है। तो मेरी तरफ से यही कहना चाहूंगा कि बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड विश यू ऑल गुड लक, जम के जाइए, बेस्ट तरीके से करिए। बिल्कुल हर 6 महीने पर शेड्यूल्ड एग्जाम आएगा, आज मार्च में हो रहा है तो नेक्स्ट शेड्यूल फिर आपका सेप्टेम्बर में होगा। तो इस साइकिल में कोई चेंज नहीं होना है, बस जरूरत यही है कि वाकई में इस एग्जाम के लिए आप तैयार हैं क्या, वाकई में जिन क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए एग्जाम के लिए वो आप कर पा रहे हैं।
क्या वाकई में आप दिल से वो तैयारी कर रहे हैं जो इंडियन पोस्ट गार्ड में आपके सफलता का कारण बन सके, इंडियन पोस्ट गार्ड में आपकी सफलता का कारण बन सके। तो बिल्कुल गेट रेडी, तैयार हो जाइए पूरी तरह से, और मेजिकल सी परिवार पूरी तरह से आपके साथ है। जबरदस्त इस एग्जाम को डन करिए, इसके बाद ऑफलाइन बैचेज ऑनलाइन बैचेज हर तरह से हम लॉन्च कर रहे हैं मेजिकल सी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे, आपके प्रयागराज की धरती जो उत्तर प्रदेश में है, माँ सरस्वती की जगह जहाँ ज्ञान का भंडार बरसता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम सब मिलकर मेहनत करेंगे और बेहतर करेंगे। बिल्कुल अभी बुक्स लीजिए, मेहनत कीजिए, और लास्ट टाइम ट्रिप के तौर पे जितने क्वेश्चन के लेसन हमने यूट्यूब पे दिया उनको जाके मेहनत करिए। फिर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, विश यू ऑल गुड लक, जय हिंद जय भारत।